हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको दोस्त स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई एस संसारी में। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड यानी कि बीटीसी एडमिशन 2020 के बारे में। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट्स यूपी बीटीसी के ऑनलाइन आवेदन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर न्यूज़ आई थी कि आपकी जो यूपी डीएलएड की एडमिशन की प्रक्रिया है वो जून के लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी। बट अब यहाँ पर दोबारा से न्यूज़ आ चुकी है कि अब आपके जो डीएलएड यानी कि बीटीसी के प्रवेश प्रक्रिया है, जो आपके एडमिशन होंगे वो अब जुलाई में स्टार्ट होगी। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे प्रस्ताव तैयार, बेसिक शिक्षा विभाग शासन को भेज रहा है प्रस्ताव, निजी कॉलेजों में किया इस प्रस्ताव का विरोध। क्या है पूरी न्यूज़, इस बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डीएलएड यानी कि बीटीसी एडमिशन से संबंधित और भी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो के अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, सो फ्रेंड्स आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बेसिक शिक्षा विभाग यानी कि डीएलएड पूर्व प्रचलित नाम बीटीसी की प्रवेश प्रक्रिया जुलाई में शुरू करना चाह रहा है, जबकि निजी यानी कि प्राइवेट कॉलेज चाह रहे हैं कि स्नातक की परीक्षा होने के बाद ही इसके प्रवेश खोले जाएं। डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास आउट अभ्यर्थी ही प्रवेश ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पर कमेंट्स आते हैं कि यदि हम ग्रेजुएशन पास नहीं हैं और हम फाइनल ईयर में यानी कि ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, जैसे कि बीए फाइनल ईयर, बीएससी फाइनल ईयर या फिर बीकॉम फाइनल ईयर, किसी भी अदर कोर्स जो कि ग्रेजुएशन का है उसके हम फाइनल ईयर में हैं, तो क्या हम डीएलएड के लिए आवेदन कर पाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स के यहाँ पर कमेंट्स आते हैं, तो मैं एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे जिनके पास फाइनल ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जब तक आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं होता है, चाहे वो ऑनलाइन मोड में ही यूनिवर्सिटी की तरफ से क्यों ना जारी किया गया हो, जब तक यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा फाइनल ईयर का, तब तक आप डीएलएड बीटीसी में एडमिशन के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी इसके लिए जुलाई में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव शासन को भेज रहा है। डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया हर वर्ष जुलाई में ही शुरू होती है और सितंबर से पढ़ाई शुरू की जाती है, लेकिन निजी कॉलेज इसका विरोध कर रहे हैं और वह लगातार विभाग और शासन को पत्र भेजकर इसका विरोध कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण विश्वविद्यालय अभी परीक्षाएँ नहीं करा पाए, जुलाई में विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाएँ करवाना चाहते हैं। वहीं बीटेक में भी आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं अभी बाकी हैं, जबकि डीएलएड में बीए, बीएससी, बीटेक, वीसीए समेत समकक्ष कोर्स करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश लेते हैं। ऐसे में जब इस वर्ष फाइनल वर्ष के विद्यार्थी इसमें भाग नहीं ले पाएंगे तो काफ़ी संख्या में सीट खाली रहने की संभावना है, जिस वजह से प्राइवेट कॉलेज वाले इसका विरोध कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के जो रिजल्ट है और जो यहाँ पर परीक्षाएं हैं वो संपन्न होने के बाद ही एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट की जाए, ताकि ग्रेजुएशन पास आउट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन प्रक्रिया में भाग ले सकें। यूपी में सरकारी कॉलेजों में डीएलएड की 10,600 सीटें हैं, आप यहाँ पर देख सकते होंगे। डायरेक्ट कॉलेजेस जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं बीटीसी के लिए, उसमें 10,600 सीटें हैं। वहीं निजी यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस में डीएलएड बीटीसी की 2,00,000 से ज़्यादा सीटें हैं। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए वी एड मान्य होने के बाद से डीएलएड का क्रेज़ घट रहा है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वी एड स्टूडेंट्स को भी अब असिस्टेंट प्राइमरी असिस्टेंट टीचर्स के लिए एलिजिबल कर दिया, जिस वजह से डीएलएड में प्रवेश बहुत ही कम संख्या में होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।